भाई साहब यार, जितनी बार भी मैं कल की 2898 AD इस मूवी को देखता हूँ, मुझे नई नई चीजें पता चलती है। और जो चीजें मुझे पता चले अगर वो आपके साथ शेयर ना की जाए तो फिर ये तो नाइंसाफी हो गया ना। तो चलो फिर शेयर करते हैं। देखो यार, अब तक तो ये बात आधी दुनिया को पता चल चुकी है कि कल की 2898 AD इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि अपने प्रभास का कैरेक्टर जिसका की नाम है भैरवा, वो इस मूवी में प्ले कर रहे हैं सूर्य पुत्र कर्ण का कैरेक्टर। अब यहाँ पर महाभारत के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर यानी कि सूर्य पुत्र कर्ण की स्टोरी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि महाभारत में कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लेजेंडरी है और जिसके मरने पर श्री कृष्ण खुद भी रोए थे। अब जब खुद तीनों लोकों के स्वामी अपने शत्रु के मरने पर दुखी हो जाए और रोने लगे, तो फिर आप ये सोच ही सकते हो कि कर्ण महाभारत के अंदर कैसी पर्सनैलिटी होल्ड करते होंगे। सूर्य पुत्र कर्ण के पैदा होने की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर जो पांडवों की माता थी यानी कि कुंती देवी, उन्होंने अपनी करुणावस्था में सूर्यदेव की आराधना कर फल के रूप में उनसे कर्ण को मांगा था। उन्होंने सूर्यदेव से कहा था कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसे संसार में कोई ना हरा सके, और इसलिए सूर्य देव ने उन्हें कवच और कुंडल के साथ यहाँ पर धरती पर भेजा था, और इसीलिए उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन फिर जब कर्ण को लेकर देवी कुंती अपने महल पहुँचती है तो वहाँ उन्हें कई सारे सवालों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो अविवाहित थी। अब इन्हीं सवालों से लज्जित होकर यहाँ पर देवी कुंती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को अश्व नदी के अंदर बहा दिया। फिर आगे चलकर देवी कुंती का तो विवाह यहाँ पर पांडु राजा से हो गया, लेकिन कर्ण अश्व नदी से बहते बहते हुए मिले उनके पालक पिता यानी कि जिन्होंने की कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया यानी कि अधिरथ, और उनकी पालक माता यानी कि राधा को। यहाँ पर कर्ण के पालक पिता यानी कि अधिरथ रथ चलाते थे यानी कि वो सारथी थे धृतराष्ट्र के रथ के, और ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि धृतराष्ट्र किन के पिता थे, कौरवों के। और इसीलिए महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, उसका रीजन एक ये भी था। और यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पर दुर्योधन की मित्रता ही थी, क्योंकि एक सारथी के पुत्र से यहाँ पर दुर्योधन ने मित्रता की थी, वही बात यहाँ पर कर्ण को छू गई थी। अब यार आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी सुनाकर मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर ये मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है इसके सभी रेफरेंसेस मिले हैं हमें यहाँ पर एक्चुअल कल की 2898 AD इस मूवी में, और वो भी भैरवा के कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ पर नाग अश्विन जी ने काफी स्मार्टली भैरवा के कैरेक्टर को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। पहले शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यही कैरेक्टर आगे चलकर सूर्य पुत्र कर्ण बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रैक्शन के लिए पहले तो प्रभास के कैरेक्टर का नाम रखा भैरवा, और हमें मूवी में ऐसे सारे सीन भी दिखाया जहाँ पर कि कोई एक कैरेक्टर भैरवा को बता रहा है कि तुम भैरव हो, उसके हाथ में काल भैरव की मूर्ति है और वो भैरवा को कह रहा है कि तुम्हें यहाँ पर इस काशी की रक्षा करोगे। मतलब ऐसे सारे सीन दिखाकर नाग अश्विन हमें डिस्ट्रैक्ट करना तो चाहते थे, लेकिन मूवी की एंडिंग आते आते हमें ये पता चल गया क्योंकि उन्होंने ये रिवील किया कि यहाँ पर भैरवा का कैरेक्टर सूर्य पुत्र कर्ण है। अब वो तो हम नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर का विजन उस लेवल का था कि हमें पहले से मूवी में ये हिंट दिए जा रहे थे कि यहाँ पर यही कैरेक्टर यानी कि भैरवा आगे चलकर कर्ण बनने वाला है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं भैरवा की बैक स्टोरी पर यानी कि उसके जन्म के बारे में। हमें उसके जन्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ हमें इतना बताया गया कि भैरवा बचपन में किसी कैप्टन को मिला था जिसका की रोल प्ले किया है दुलकर सलमान ने। अब मूवी का ये वाला डॉट कनेक्ट होता है महाभारत की उस वाली सिचुएशन में जहाँ पर की देवी कुंती ने अपने पुत्र यानी कि सूर्य से उन्हें जो पुत्र मिला था यानी कि कर्ण, उसको अश्व नदी में बहा दिया था और वो मिला था आगे चलकर अधिरथ को। तो यहाँ पर अधिरथ के रोल में ही या फिर उनके सिर्फ एक छोटे से रेफरेंस के तौर पर हमें यहाँ पर दुलकर सलमान के कैरेक्टर यानी कि कैप्टन को दिखाया जा रहा है। अब मूवी में हमें भैरवा और कैप्टन के बीच में ये भी दिखाया जाता है कि कैप्टन भैरवा को बाल पोस कर बड़ा तो करता है, लेकिन आगे चलकर वही कॉम्प्लेक्स को भैरवा को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन भैरवा यहाँ पर उल्टी चाल चलता है और पहले कैप्टन को ही बेच लेता है। अब ये डॉट कनेक्ट हो सकता है महाभारत की उस वाली सिचुएशन में जहाँ पर की कर्ण ने अपने पिता के लिए फांसी की सजा मांगी थी। अब ये तो हुई भैरवा की बैक स्टोरी की बात जहाँ पर की हमें महाभारत के रेफरेंसेस देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हमें यहाँ पर कई सारे रेफरेंसेस देखने को मिले। जैसे कि पहला ही रेफरेंस है कर्ण का कवच जो कि उन्हें सूर्यदेव की ओर से मिला था। वो कवच इतना पावरफुल था कि जब तक यहाँ पर कर्ण वो कवच पहनकर रहेंगे तब तक वो कोई भी युद्ध नहीं हार सकते। और यहाँ पर अपने भैरवा के बारे में भी यही बताया गया है कि वो आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा। और दूसरा रेफरेंस ये कि यहाँ पर कर्ण के कवच की तरह ही हमें भैरवा एक सूट में नजर आता है। अगर आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि भैरवा का जो सूट है वो कर्ण के यहाँ पर कवच के जितना ही पावरफुल है, तो आपको एक बार ये सोचकर देखना चाहिए कि यहाँ पर अश्वत्थामा महाभारत के इतने बड़े महाबली योद्धा के साथ इतने युद्ध लड़ने के बाद भी भैरवा को एक खरोच तक नहीं आया यार, और वो सब उसके सूट की वजह से। अश्वत्थामा जी के साथ इतनी सारी लड़ाइयां करने के बाद भी भैरवा को कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि क्या भैरवा ही कर्ण है या फिर कर्ण का रिबोर्न
रिबॉर्न हुआ है कलयुग में। अगर कर्ण का रिबॉर्न हुआ है तो हमें ऐसा कुछ दिखाया क्यों नहीं किया? क्या नागेश्वर अपनी पहले ही मूवी में इतना कुछ नहीं दिखाना चाहते थे? जैसा कि उन्होंने हमें सुप्रीम यास्किन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, हमें तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो कली है या नहीं। हाँ, इस कैरेक्टर के बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कर्ण के ऊपर। हाँ, तो कर्ण के कैरेक्टर को ये किस तरह से अपने आने वाले मूवीज में दिखाते हैं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ भाई लोग, यहाँ पर कर्ण की पावर जब भैरवा को मिलती है ना, तब वो भी काफी अजीब तरीके से मिलती है। जब यहाँ पर क्लाइमेक्स में भैरवा अश्वत्थामा जी के हाथ में जो शुरुआत से ही हमें एक छड़ी देखने को मिल रही थी, जिसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये किसी न किसी एंगल से तो एक धनुष ही है, तो हमें अश्वत्थामा जी के हाथ में जो छड़ी दिखाई जा रही थी ना, वो कोई उनका खुद का हथियार नहीं है, वो है कर्ण का हथियार, यानी कि विजय धनुष, जो कि कर्ण को आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया था यहाँ पर परशुराम जी ने। हाँ, तो उसी विजय धनुष को छूते ही यहाँ पर भैरवा को ये रियलाइज होता है कि वो कर्ण है, उसके अंदर अचानक से कर्ण की पावर्स आ जाती है। और फिर जब वो विजय धनुष को छोड़ता है, तब वो ऐसे ही अपना पुराना भैरवा बन जाता है ऐसे ही। अब ये काफी यूनिक तरीका था यहाँ पर कर्ण के कैरेक्टर को दिखाने का, उनके रिबॉर्न को दिखाने का। शायद इसलिए नाग अश्विन ने ये कहा था यहाँ पर कल की मूवी के रिलीज से पहले कि मैं कोई महाभारत नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ महाभारत का सीक्वल, और वो भी कलयुग का। एंड ये एक्चुअली डिड इट, और ये देखने में कहीं से भी बुरा नहीं लग रहा है। तो भाई लोग, यहाँ पर कर्ण की कथा समाप्त होती है, और आई होप कि आप कर्ण के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे, सारे रेफरेंसेस के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट कर दो। लेकिन अभी बात करते हैं देवरकोंडा यानी कि अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में। मूवी में जब जब अर्जुन का सीन आता है ना, यहाँ पर उनके रथ का सीन, और यहाँ पर उनको सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण, इन सारी चीजों को मिलाकर हमें दिखाया जाता है, तब ऐसा लगता है कि यार नाग अश्विन तुम बनाओ महाभारत, हमें देखनी है, तुम बनाओ। महाभारत के युद्ध के दौरान यहाँ पर अर्जुन के पास एक काफी दिव्य धनुष था, जिसका के नाम था गांडीव, जिसे कि खुद ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था। और ये गांडीव धनुष था वरुण देव के पास, और फिर वरुण देव ने इसे अग्निदेव को दे दिया, और फिर अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ। और यही धनुष आगे चलकर 6000 साल बाद यहाँ पर सुप्रीम यास्किन का जो सलाहकार है, उसे खुदाई के वक्त मिलता है। अब पहले तो हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो धनुष है उसको कोई भी टच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर कोई एडवांस मशीन भी उसे टच नहीं कर पा रही है, वो जल जा रही है। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है, एक्चुअली में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम यास्किन ने उस धनुष को उठा भी लिया है, और यहाँ पर यास्किन के पास ऐसी भगवान की पावर्स भी आ चुकी है, जिससे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। और इतना सब कुछ जो ये हुआ है, यानी कि सुप्रीम यास्किन को पावर्स मिलना, वो उस धनुष को उठा पा रहे, इतनी ज्यादा पावर्स मिलना, इन सब का कारण है वो लैब एक्सपेरिमेंट का वो सीरम, जो कि उन्हें प्राप्त हुआ था यहाँ पर सुमति पर एक्सपेरिमेंट करने पर। कुछ बूंदे ही बची थी, और उन कुछ बूंदों से यहाँ पर सुप्रीम यास्किन को इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई कि उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएट किया गया धनुष को भी उठा लिया। अब यहाँ पर देवी सुमति के अंदर भगवान कल्कि का अवतार है, यानी कि खुद भगवान बसते हैं उनके गर्भ के अंदर, और इसी वजह से उस पूरे सीरम के सिर्फ कुछ बूंदों की वजह से यहाँ पर सुप्रीम यास्किन के अंदर इतनी ज्यादा गॉडली पावर्स आ गई कि उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएट किया गया धनुष उठा लिया, और वो भी बिना किसी दिक्कत के। अब यार याद करो मूवी की स्टार्टिंग का वो सीन, जहाँ पर हमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हुए दिखते हैं कि कलयुग में कली इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो मेरे अवतार को रोकने में भी कामयाब हो सकता है, और इसी वजह से अश्वत्थामा तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। अब यहाँ पर इस गांडीव धनुष को पाकर ही यहाँ पर सुप्रीम यास्किन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार यानी कि कल्कि अवतार को होने से रोक सकता है, और इसीलिए तो वो मूवी की एंडिंग में कहता है ना कि मैं खुद रोकूंगा या फिर ढूंढूंगा, मतलब ऐसा ही कुछ कहता है। अब भाई लोग, नेक्स्ट जो कल्कि यूनिवर्स की मूवी आएगी वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि मूवी की एंडिंग में हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि अश्वत्थामा जी यहाँ पर बेबस है, और भैरवा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में लेकर जा चुका है सुमति को। तो यहाँ पर कल्कि यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर भी वीडियो आने वाली है इस चैनल पर, इसलिए स्टे ट्यून्ड। अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से मार देना, और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नया आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं बोलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि कल्कि पर ही होने वाली है। तो मिलते हैं कल्कि यूनिवर्स के फ्यूचर एक्सप्लेन वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।